कटनी में एक युवक ने अपने 6 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी पर फायर किया लेकिन उसे गोली नहीं लगी, फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जयप्रकाश वार्ड का है। वारदात की सूचना पर एएसपी संतोष डेहरिया, कोतवाली टीआई आशीष कुमार शर्मा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। क्या जानकारी मिली थी? देखिए, थाना कोतवाली अंतर्गत जो है नई बस्ती में मयंक और गौरी अग्रहरी है, लगभग 35 वर्ष के। उन्होंने आज 10:30 बजे के आसपास जो है अपने छोटे बेटे लगभग 6 साल की उम्र है उनको गोली मार दिया है। और उसके बाद ऊपर जाके स्वयं ने भी अपने आप को गोली मार ली है और दोनों को ही प्रथम दृष्टा घटनास्थल में मृत्यु हुई है। और अभी इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं, एफएसएल की टीम आ रही है, फिंगरप्रिंट की टीम हमारी भी काम कर रही है, बाकी सभी ग्रुपों में हम इसमें जांच कर रहे हैं कि घटना किस वजह से। पत्नी ने भी हमले की कोशिश की है? देखिए, उन्होंने पत्नी ने भी बताया है कि उस पर भी हमले की कोशिश की गई है, लेकिन अभी उसका मेडिकल वगैरह कराएंगे, उसके बाद क्या चोट है और क्या है ये सारी चीज़ें जब निकल के सामने आएंगी तब जो है उसमें क्लियर हो। देखिए, वो तो नंबर 2 का लग रहा है और देसी जो है माउजर है, तो कहाँ से लाया है और किन चीज़ों कैसे वो उसके पास प्राप्त हुई है इस संबंध में अब हमें इन्वेस्टिगेशन।